भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इस वक्त मैग्नेट से कम नहीं है आकांक्षा अवस्थे के लिए। जहां पवन सिंह होते हैं वहां चुंबक की तरह खींचती हुई चली जाती है आकांक्षा अवस्थी। जी हां, हमें पता है कि आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आप पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि आकांक्षा अवस्थी और पवन सिंह में कुछ तो है। अब अगर भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को चमकना है तो या वो खेसारी का दामन पकड़े या फिर निरहुआ का, और या फिर पवन सिंह का। वैसे खेसारी और निरहुआ का दामन पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खेसारी के साथ काजल राघवानी और निरहुआ के साथ आम्रपाली हैं, और बचे हैं हमारे पवन सिंह, जिनके साथ कभी अक्षरा सिंह रहा करती थी। लेकिन अब अक्षरा और पवन में ब्रेकअप के बाद अब ये जगह खाली हो चुकी है, और इसी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आ गई है भोजपुरी की नई नवेली हीरोइन आकांक्षा अवस्थी। आपने इन्हें कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा। भोजपुरी गलियारों में ये खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि आकांक्षा अवस्थी अक्षरा सिंह का रिप्लेसमेंट है पवन सिंह के लिए। जी हाँ, अब ज्यादातर फिल्मों में पवन के साथ आपको आकांक्षा अवस्थी दिखेंगी। वैसे हम आपको एक चौंका देने वाली बात बताने वाले थे, तो आपको ये चौंका देने वाली बात बता दे हम कि भोजपुरी के इंटरनेशनल अवार्ड शो IBFA का समापन मलेशिया में हो चुका है, यानी कि IBFA अवार्ड शो संपन्न हो चुका है। लेकिन पवन सिंह के लिए और आकांक्षा अवस्थी के लिए ये अवार्ड शो अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि मलेशिया की गलियों में पवन सिंह आकांक्षा अवस्थी के साथ घूमते फिरते, मस्ती करते, खाना खाते, शॉपिंग करते नजर आ सकते हैं। क्या आपने एक चीज इन सब तस्वीरों में गौर की? अगर गौर नहीं की है तो हम बताते हैं, जहाँ जहाँ पवन सिंह आकांक्षा अवस्थी के साथ है वहाँ वहाँ उनके साथ वही मुस्कुराहट है जब वो अक्षरा सिंह के साथ हुआ करते थे। यानी कि जो जो पवन सिंह और आकांक्षा की ये तस्वीरें देख रहा है, सभी कह रहे हैं कि पवन सिंह की पुरानी वाली मुस्कुराहट वापस आ गई है, यानी कि अब आप हमारा इशारा समझ चुके होंगे। वैसे पवन सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर आकांक्षा अवस्थी को सोशल मीडिया पे काफी भला बुरा, यानी कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आकांक्षा जब भी अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव होती है उन्हें अच्छा खासा शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि अक्षरा और पवन के फैंस बिल्कुल नहीं चाहते कि पवन अक्षरा को छोड़कर किसी और के साथ फिल्में करे या किसी और के साथ नजदीकियां बढ़ाए, क्योंकि उन्हें तो अभी भी लग रहा है कि पवन और अक्षरा एक दूसरे के पास कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं। इसलिए आकांक्षा अवस्थी को सोशल मीडिया पर बहुत ही भला बुरा कहा जा रहा है। वैसे आकांक्षा अवस्थी के लिए हम यहाँ यही कहना चाहेंगे, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसका नाम होता है आकांक्षा जी वही बदनाम होता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।